बाल झड़ने का रूहानी इलाज। मखसूस मिकदार में सर और दाढ़ी के बालों का गिरना एक फितरी अमल है, एक नेचुरली अमल है, लेकिन अगर गिरने की मकदार ज्यादा हो जाए तो ये निशानी है कि कोई बीमारी है। एक बाल की उम्र अल्लाह की शान है तकरीबन 4.5 से 5 साल तक की होती है। इसके बाद बाल कमजोर होकर गिर जाता है, आप उसकी जगह नया बाल आ जाता है। ये बाल क्यों गिरते हैं? मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया, बाल कमजोर हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जिल्द पर भी निशानात पड़ जाते हैं। बालों में तरह तरह के शैम्पू यूज किए जा रहे हैं, कंडीशनर यूज किए जा रहे हैं, क्रीम्स, हेयर कलर्स, जेल वगैरह, इसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है। तो बालों के जो डॉक्टर होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, इससे मशवरा कर लेना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर अकदस में कसरत से तेल डालते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु दिन में 2 मरतबा तेल लगाते थे। तो सर में कसरत के साथ तेल का इस्तेमाल करें, दाढ़ी में भी करें, बिलखुसूस जिनका दिमागी काम होता है, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, वो अगर तेल का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे दिमाग तर रहेगा, हाफजा स्ट्रांग हो जाएगा, और तेल लगाने की सुन्नत पर भी अमल होगा, बालों की भी हिफाजत हो जाएगी, बालों की परवरिश भी बेहतर होगी। और याद रखिए कि गर्मियों के मौसम में कोकोनट, नारियल, सर्दियों में जैतून का तेल या सरसों का तेल बालों के लिए मुफीद है, मगर हर एक के लिए मुफीद और जरूरी नहीं है। हर एक की तबीयत मुख्तलिफ है, डॉक्टर से, हकीम से मशवरा कर लेना चाहिए। अच्छा, अगर बाल गिरते हैं तो रूहानी इलाज क्या है, सुनिए। बावजू हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल लैल 41 बार पढ़कर तेल पर दम करें, सरसों का तेल या नारियल का तेल। सोते वक्त सर पर उस तेल की मालिश करें जिस पर दम किया गया था। कुछ दिन मालिश करने से अल्लाह ने चाहा सर के बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। दाढ़ी के बाल झड़ते हो तो उसके लिए भी यही अमल मुफीद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।